क्या एफ ऑफ एक्स इजिक्वल टू इतना द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो ऐसे कर चुके हम, ठीक है, फिर भी देखते हैं और एक बार। यहाँ पर क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स इजिक्वल टू कितना है, एक्स प्लस फाइव यदि एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन, और एक्स माइनस फाइव यदि एक्स ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि एक फलन तो है एक्स प्लस फाइव, ठीक है, और दूसरा फलन है एक्स माइनस फाइव, और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है वन है, ठीक है, ये क्या है एक्स इजिक्वल टू वन है। तो क्लियर सी बात है कि इस बिंदु पर हम पहले सतत की जांच करेंगे। तो इस बिंदु पर चेक करने के लिए क्या करेंगे कि फलन आप वन का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों बराबर है तो सतत है। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, वन से लेस देन में इस फलन के लिए ज्ञात करेंगे, फिर इस फलन के लिए ज्ञात करेंगे। तो ये कुल मिला के पूरे हर पॉइंट के लिए हम चेक कर लेंगे कि ये सतत है या नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, दिया गया फलन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फलन ऑफ एक्स इजिक्वल टू एक्स प्लस फाइव यदि एक्स लेस देन ऑफ वन आर इक्वल टू वन, एक्स माइनस फाइव और यदि एक्स ग्रेटर देन वन, इतना यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोला है, यदि पहली कंडीशन, यदि एक्स इजिक्वल टू वन पर वन है ना, तो वन के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लिए हम यहाँ पर सातत्यता की जांच करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है भाई, एक्स इजिक्वल टू वन पर देखिए, एक्स इजिक्वल टू वन मतलब ये है, तो एक्स प्लस फाइव है, एक्स प्लस फाइव, और एक्स फलन ऑफ वन इजिक्वल टू वन प्लस फाइव इजिक्वल टू सिक्स, क्लियर हो गई बात। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तथा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू वन और लेफ्ट हैंड है इसलिए माइनस, और फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन, और लेफ्ट हैंड के लिए कर रहा है इसका मतलब लेस देन के लिए करना पड़ेगा, एक्स लेस देन वन, तब फलन कौन है एक्स प्लस फाइव, तब फलन कौन है एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स हो गया, ठीक। अब तथा लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, एक्स टेंस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन और फलन क्या है एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर। अब देखिए ना, फलन ऑफ एक्स का मान फलन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो ये और ये तो दोनों बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन लेफ्ट हैंड फंक्शन ऑफ एक्स माइनस मतलब लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, और ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए ना, अगर एक भी बराबर नहीं है तो क्या होगा। अतः फलन एक्स इजिक्वल टू वन पर सतत नहीं होगा, अरे इसका आंसर हो गया। अब हमने ये तो बता दिया कि ये जो वन है इस पर सतत नहीं है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है इसलिए सतत नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखते हम, जब एक्स बराबर से सी का मान जो है वन से लेस देन है, क्या है सी का मान वन से छोटा है, उस केस में क्या होगा, फलन ऑफ एक्स का मान कितना है, देखना एक्स का मान लेस देन वन, एक्स का मान वन से छोटा है तब फलन क्या है एक्स प्लस फाइव है, एक्स प्लस फाइव, तो फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी प्लस फाइव हो जाएगा। पुनः लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन ऑफ एक्स, ध्यान देना फंक्शन एक ही है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें, केवल एक ही फलन है ना, तो एक ही फलन है तो फलन क्या है हमारे पास में सी प्लस फाइव है, मतलब फलन इतना ही है, वहाँ पर एक से जगह सी रखा तो इतना आ गया। अतः यहाँ क्या होगा, फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ सी, ये दोनों क्या है बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो फलन क्या होगा, फलन एक्स लेस देन इज इक्वल टू सी
इज इक्वल टू सी लेस देन वन पर सतत सतत होगा। अब थर्ड क्या बोला है, इससे बड़ा मतलब वन से बड़े के लिए, जब जब x इज इक्वल टू सी का मान जो है वो वन से बड़ा है, या इसी में देख लेते हैं हम, इससे क्या है ये बड़ा है। और बड़े के लिए फलन कौन है, x का मान वन से बड़ा है, ये थर्ड पार्ट है। अब ठीक है, ये लगभग दोनों पार्ट एक जैसे होते हैं, सेकेंड और थर्ड पार्ट। अच्छा, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव है यहाँ पर फलन, तो एक्स माइनस फाइव सी माइनस फाइव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी माइनस फाइव, तो दोनों क्या है बराबर है, इसलिए क्या होगा बड़े पर भी ये सतत होगा। ठीक है, तो ये दोनों केस में ये सतत है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर इधर एक से बड़े के लिए यह फलन क्या है सतत है, छोटे के लिए एक जो सी का मान है, मतलब वास्तविक संख्या कोई भी रखो आप, वन से छोटी वास्तविक संख्या कोई भी रखो सबके लिए क्या है ये सतत है, वन से बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या रखो उसके लिए भी ये सतत है। वन के लिए सतत है क्या, वन के लिए असतत है, अरे ये सतत नहीं है। ठीक है, तो वन के लिए सतत है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः तीनों मिला के रिजल्ट लिख सकते हम, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन आर माइनस, और ये ऐसा भी लिख सकते हैं, आर मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है लेकिन उसमें वन के लिए सतत नहीं होगा, आर माइनस वन, देखिए आर मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, क्यों, क्योंकि बड़े के लिए भी है और छोटे के लिए भी है, वन से बड़ी कोई भी संख्या रख लो, चाहे वन से छोटी कोई भी संख्या रख लो सबके लिए सतत है, बस ये वन के लिए सतत नहीं है, हमने यहाँ पर वन के लिए किया ना, तो वन के लिए सतत नहीं है, तो उसको लिखने का तरीका मैथमेटिकल ऐसा भी होता है। ठीक है, आप वर्डिंग में भी लिख सकते हो, केवल वन के लिए सतत नहीं होगा बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा, या तो ऐसा लिख सकते हैं हम, फलन दिया गया फलन आर माइनस वन के लिए सतत होगा, हमने यहाँ बोल दिया कि वन के लिए नहीं होगा, है ना, आर माइनस वन कर दिया, बाकी सभी के लिए सतत होगा। तो बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन था, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री यदि जी एक्स का मान 0 से 1 के बीच में हो या बराबर हो, और 4 यदि 1 से 3 के बीच में हो, और 5 यदि 3 से बराबर या बड़ा, और 10 से छोटा या बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है सातत्यता की जांच करना है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिया गया फलन इतना है, और यहाँ पर क्या बोला है कि 0 से 1, 1 से 3 और 3 से 10 की बात की है। देखना यहाँ पर मैं 1 बना देता हूँ, 1 x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 10, 10 रहने दो, 10 से छोटा चलो ठीक है बना भी सकते हम, यहाँ पर 0 कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10, क्लियर है बात। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे कि 0 से 1 के लिए फलन कितना है 3 है, ये यहाँ पर कितना है फलन 3 है, और 1 से 3 के लिए फलन कितना है 4 है, 1 से 3 के लिए फलन कितना है 4 है, और 3 से 10 के लिए फलन कितना है, 3 से 10 के लिए फलन 5 है। ठीक है, अब सातत्य की जांच करना है, कहाँ कहाँ करेंगे हम सातत्य की जांच, एक तो 1 पर करेंगे और दूसरा क्या करेंगे 3 पर करेंगे, क्यों ऐसा क्यों, देखिए 1 है तो 1 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड बना सकते हम, 3 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड बना सकते हैं, और 10 पर 0 पर अगर देखेंगे हम तो 0 से ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं हम, लेकिन ग्रेटर देन में क्या होगा कि ये इधर के सारे मान आ जाएंगे इसलिए ग्रेटर देन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 10 से लेस देन अगर बोलेंगे तो 10 से लेस देन में देखिए 10 से लेस देन में ये सारे के सारे फलन आ जाएंगे इसलिए हमें उसके लिए नहीं करना है। हम क्या करेंगे 1 और 3 के लिए सातत्यता की जाँच करेंगे फिर से और एक बार। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंडीशन दी जाती है ना, मान लिया जाए यह फलन है और यह फलन है, इससे पहले क्या कर रहे थे हम इसके लिए सातत्यता, पहले वाले क्वेश्चनों में इसके लिए सातत्यता की जांच करना है तो इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते थे, इधर का निकाल लेते थे लेफ्ट हैंड, इधर का निकाल लेते थे, फिर उसके बाद में इससे लेस देन बोलते थे तो यहाँ पर एक फलन मिलता था, और इससे ग्रेटर देन बोलते थे तो इधर भी एक फलन मिलता था। यहाँ पर क्या हो रहा, हम इस पॉइंट पर ज्ञात कर लेंगे, इधर के लिए निकाल लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए निकालेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और इसके लिए निकालेंगे दोनों के लिए सातत्यता की जाँच कर लेंगे।
अगर हम बोले कि इससे ग्रेटर देन के लिए, तो जीरो से ग्रेटर देन में तो ये पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी ना, और टेन से ग्रेटर देन में ये पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी, तो इसलिए इसके लिए हमें निकालना नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं अपन कि वन से लेस देन और थ्री से ग्रेटर देन हम लिमिट निकाल सकते हैं, मतलब कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली तो क्या करना है, हमें वन और थ्री के लिए ही वैल्यू निकालना है। तो पहला एक्स इज इक्वल टू वन पर सातत्यता की जांच करेंगे। फलन ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए फलन कौन है? फलन ऑफ एक्स का मान कितना है? थ्री है। तो फलन ऑफ वन का मान कितना होगा? ये भी वन ही होगा ना, सॉरी थ्री ही होगा ना भाई। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन रखना है, तो यहाँ पर तो एक्स ही नहीं तो वन रखेंगे, नहीं तो थ्री आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू तब तथा एक्स टेंस टू वन का लेफ्ट हैंड फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखना वन से छोटा, लेफ्ट हैंड का मतलब वन से छोटा, और वन से छोटे के लिए फंक्शन कोड है थ्री है। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन और यहाँ पर थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थ्री। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है? वन से ग्रेटर देन, तो वन से ग्रेटर देन ढूंढो जरा कहाँ पर है, एक से बड़ा ये है, तो उसके लिए फलन कौन है? चार है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। फंक्शन ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस सॉरी माइनस माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अतः फलन एक्स इज इक्वल टू वन पर सतत नहीं है, सतत नहीं है ना, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए देखते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए, अच्छा फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना होगा एक्स इज इक्वल टू थ्री पर? ढूंढो जरा एक्स इज इक्वल टू थ्री कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, थ्री इज इक्वल टू एक्स, इसका मान कितना है? फाइव है। फलन कौन है? पाँच। तो फंक्शन ऑफ थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी पाँच होगा भाई। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर थ्री रखना है, एक्स ही नहीं तो थ्री रखेंगे नहीं, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू कितना? थ्री का लेफ्ट हैंड फंक्शन ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड मतलब थ्री से छोटा, और थ्री से छोटा फलन कौन है? ये है, यहाँ पर कंडीशन बन रही है, तो उसका फलन कौन है? चार है। तो क्या लिखेंगे हम? लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस फोर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर ही होगा। और लिमिट वैसे आगे न भी करें तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो अपना यहीं पर पता चल गया, तो आगे राइट हैंड न भी करें तो चलेगा, लेकिन कर देते। एक्स टेंस टू थ्री प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, थ्री प्लस मतलब थ्री से ज़्यादा, और थ्री से ज़्यादा के लिए फलन कौन है? फाइव है। इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस के लिए क्या है? फाइव है, और इसका मान कितना हो जाएगा? पाँच। अतः फलन ऑफ थ्री नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री और फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। या तो यहाँ थ्री लिख दो और यहाँ पर भी थ्री लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर होना चाहिए। या तो ये दोनों बराबर नहीं है, या तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं होगा, सतत नहीं होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू वन दोनों के लिए ना, दोनों के लिए सतत नहीं है, ठीक है। या तो बोल सकते असतत है, ऐसा भी यहाँ पर बोल सकते। अच्छा यहाँ पर देखना, अगर हम वन के लिए और वन से लेस देन के लिए अगर करें, वन के लिए तो कर चुके हम, अगर वन से लेस देन के लिए करें तो वन से लेस देन की लिमिट क्या है? तीन है। तो यहाँ से यहाँ के लिए सतत होगा, अगर यहाँ के लिए अगर करना है ना, तो ये सतत होगा। होगा क्या? क्यों? क्योंकि वन से लेस देन का कंडीशन क्या है? थ्री है। तो फंक्शन की भी वैल्यू थ्री, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंटिन्यूस ही है ना, और थ्री से ग्रेटर देन बोलेंगे तो यहाँ तक के लिए भी कंटिन्यूस है, ठीक है, अगर बोला जाए तो। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15
हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिया गया फलन इतना है। यहाँ पर देखेंगे कि एक सी इजिक्वल टू जीरो, एक सी इजिक्वल टू जीरो एक पॉइंट है, और एक एक सी इजिक्वल टू वन, एक सी इजिक्वल टू वन दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि एक्स का मान जीरो से जब छोटा है तब क्या है फलन, टू एक्स है, मतलब छोटा आय के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाएगी और इसको 2x लिखेंगे। याद रहे कि डायग्राम कभी भी एग्जाम में बनाना नहीं है, ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ केवल समझने के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है वो, अदरवाइज इसका डायग्राम और कुछ बनेगा, क्यों, क्योंकि y इजिक्वल टू 2x मतलब इस टाइप का बनेगा, वो x एक्सिस और y एक्सिस और यहाँ से इस प्रकार से मूल बिंदु से होते हुए ऐसा बनेगा डायग्राम, वो ऐसा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं। x इजिक्वल टू जीरो, एक्स इजिक्वल टू जीरो से वन, जीरो से वन तक इसका जो फलन है वो कितना है, जीरो है, और वन से बड़े के लिए कितना है, ये 4x है, बात क्लियर है। यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। हम क्या करते हैं, एक्स इजिक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करते, सतत चेक करते सातत्य है कि नहीं है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर एक्स इजिक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये चेक करेंगे, फिर उसके बाद में एक्स से छोटे के लिए चेक करेंगे, तो इधर तो बहुपद है तो हो गए, ठीक है, और इससे अधिक के लिए भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक। तो पहले तो हम एक्स इजिक्वल टू वन और एक्स जीरो और एक्स इजिक्वल टू वन के लिए चेक करते हैं, एक्स इजिक्वल टू वन के लिए पहला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फलन ऑफ एक्स क्या होगा भाई, एक्स इजिक्वल टू वन के लिए फलन कौन है, देखना एक्स इजिक्वल टू वन ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्स इजिक्वल टू वन ये तो छोटा है तो ये बड़ा है, एक्स का मान यहाँ पर बड़ा है बराबर, तो ये यहाँ पर है तो ये क्या है, जीरो है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ जीरो के लिए कर रहे हैं हम चेक, ठीक है, जीरो के लिए चेक करते, तो जीरो के लिए भी फलन कौन है, जीरो के लिए भी फलन जीरो है, तो फंक्शन ऑफ इसके लिए जीरो, तो फंक्शन ऑफ जीरो इजिक्वल टू जीरो। अब लिमिट है ना, तथा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स, देखना लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, जीरो से छोटा, और जीरो से छोटे के लिए फलन कौन है, टू एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे इजिक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और टू एक्स, और एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इजिक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और फलन कौन है भाई, राइट हैंड मतलब इससे बड़ा, इससे बड़ा, और इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा मतलब जीरो से बड़ा, उसके लिए क्या है, फंक्शन जीरो, और इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, तीनों के मान क्या है, बराबर है, अतः फंक्शन ऑफ जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इजिक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट प्लस, ये तीनों क्या है, बराबर है, अतः क्या होगा, फलन क्या होगा, एक्स इजिक्वल टू जीरो पर सतत होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्स इजिक्वल टू वन पर चेक करते, तब दूसरा एक्स इजिक्वल टू वन के लिए, वन के लिए, और वन के लिए देखेंगे कि वन के लिए इसका फलन क्या बनेगा, देखना एक्स इजिक्वल टू वन के लिए इसका फलन का मान क्या है, जीरो है, फलन ऑफ एक्स इजिक्वल टू जीरो, तो फंक्शन ऑफ वन इजिक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन के लिए कर रहा है, एक्स के जगह वन रखेंगे तो जीरो। अच्छा, लिमिट एक्स टेंस टू वन और माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन और फंक्शन ऑफ एक्स मतलब वन से लेस देन के लिए, वन से लेस देन के लिए फलन कौन है, जीरो ही तो है, और इजिक्वल टू जीरो। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू वन और प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, देखना पुनः, ठीक है, यार यहाँ पर तथा लिख सकते हैं हम, तथा ये मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक वन से बड़े के लिए लिमिट क्या है, 4x है, इजिक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन 4x, और इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर देखेंगे हम इसका मान बराबर है, लेकिन इसका मान बराबर नहीं है, इसका मतलब
तब फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वन, फंक्शन ऑफ वन वन नॉट इक्वल टू या इक्वल टू, इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस फंक्शन ऑफ वन, नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन राइट हैंड लिमिट मतलब प्लस फंक्शन ऑफ वन, ये बराबर नहीं है। तब एक्स इज इक्वल टू वन के लिए सतत नहीं है, सतत नहीं होगा, मतलब जीरो के लिए सतत था और वन के लिए सतत नहीं है। अब थर्ड पार्ट हम निकाल सकते हैं, थर्ड पार्ट देखना, थर्ड पार्ट क्या करते हैं हम यहाँ से इधर के लिए, किसके लिए, जीरो से लेस देन के लिए, जब एक्स इज इक्वल टू सी का मान जो होगा वो जीरो से लेस देन होगा तब क्या होगा, फलन एक्स का मान जब जीरो से लेस देन है तब फलन का मान कितना होगा, तब फलन का मान टू एक्स होगा, टू एक्स। तो फंक्शन ऑफ सी रखेंगे हम, तो सी इज इक्वल टू टू सी और लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स टेंस टू सी, फंक्शन ऑफ सी, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर तो टू सी, तो ये दोनों तीनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इसके बराबर हो गए, इसलिए क्या होगा, ये सतत होगा, सतत होगा। इसी प्रकार से ग्रेटर देन वन के लिए, वन से ग्रेटर देन, या तो हम यहाँ पर शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते, देखना एक्स का मान जीरो, एक्स इज इक्वल टू सी का मान जीरो से लेस देन के लिए यहाँ पर क्या है, एक बहुपद है और बहुपद हमेशा सतत होता है, ठीक है, लेस देन के लिए, और यहाँ पर वन से ग्रेटर देन के लिए ये भी क्या है, यहाँ पर एक बहुपद है, बहुपद है इसलिए क्या होगा, ये सतत होगा। क्लियर सी बात है ना, क्लियर सी क्या बात है, फलन इतना है, जहाँ जहाँ सी रखेंगे तो इतना ही आएगा, और लिमिट भी, लिमिट में भी जहाँ एक्स है वहाँ पर सी रखोगे तो उतना ही तो आएगा ना, कभी कहाँ चेंज होगा, इससे पहले हमने इतने क्वेश्चन किए कहीं पर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब बहुपदों के लिए क्या होगा, वो सतत ही होगा। अतः फलन ऑफ एक्स का मान कहाँ से, जीरो से वन के लिए, जीरो से वन के लिए सतत होगा, हैं, कब सतत नहीं होगा, केवल वन के लिए असतत होगा, बाकी पूरे के लिए सतत होगा, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो वन के लिए नहीं था ना सतत, ये यहाँ पर सतत नहीं था, कहाँ पर, सेकंड नंबर पे, बाकी सभी के लिए सतत होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है हमें, और डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम नहीं मतलब यानी हिंट क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है और एक्स इज इक्वल टू वन की बात की है, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट ये, देखना एक्स का मान माइनस वन से छोटा या बराबर है, माइनस वन से छोटा तो इसका फलन कौन है, माइनस टू है, ठीक है। अच्छा माइनस वन से वन के लिए फलन कौन है, वन के लिए फलन कौन है, टू एक्स है, और वन से ग्रेटर देन के लिए फलन कौन है, टू है, ऐसा है यार। अब यहाँ पर हमें सातत्य का कहाँ चेक करना पड़ेगा, एक तो माइनस वन के लिए चेक करेंगे, खुद के लिए लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वन के लिए चेक करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड खुद के लिए, और इससे छोटे के लिए देख लेंगे, इससे बड़े के लिए देख लेंगे, तो ये तो अचर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी अचर है, इधर भी अचर है, तो ये सतत ही होगा, ठीक है, इसके लिए सतत होगा या इसके लिए सतत होगा। अब हम देखते हैं जब जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, पहला जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है तब फलन कौन है, माइनस टू है, फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो फलन ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू ही होगा, और तथा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, और लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लगाएंगे फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा माइनस वन से लेस देन, माइनस वन, वन से लेस देन के लिए फलन कौन है, माइनस टू है, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, और इसके लिए क्या है, फलन माइनस टू है, इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक। अब राइट हैंड तथा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, देखना वन से ग्रेटर देन, प्लस का मतलब क्या है, माइनस वन से ग्रेटर देन के लिए फलन कौन है, टू एक्स है, तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू
माइनस वन और एक क्या है टू एक्स, और एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पर देखना इसका मान और इसका मान समान है, तब क्या हो जाएगा फलन ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन फंक्शन प्लस क्या प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या तीनों बराबर है तब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर फलन सतत होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई, सारे क्वेश्चन एक जैसे है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट वन पर देखते हैं हम, जब एक्स इज इक्वल टू वन तो फलन ऑफ एक्स क्या होगा वन पर, एक्स इज इक्वल टू वन पर फलन चेक करते हैं हम। देखना एक्स इज इक्वल टू वन पर फलन कौन है, टू एक्स है, टू एक्स, तो फलन ऑफ वन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू वन इज इक्वल टू टू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं हम, लिमिट तथा लिमिट एक्स टेंस टू वन और लेफ्ट हैंड ले रहे हैं इसलिए माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखना यहाँ पर फलन कौन है एक्स, लेफ्ट हैंड है वन, वन का लेफ्ट हैंड कौन है, वन का लेफ्ट हैंड टू एक्स है, या तो यहाँ पर भी देख लो आप वन से छोटा कौन है, वन से लेफ्ट हैंड टू एक्स ही है, मतलब है ना एक्स वन का लेफ्ट हैंड क्या है टू एक्स है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन और टू एक्स और इज इक्वल टू एक्स का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब लिमिट पुनः क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, वन से बड़े के लिए फंक्शन कौन है टू है, तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, तो वन से बड़े के लिए क्या है लिमिट टू है और वहाँ पर वन भी रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब फलन ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, तीनों बराबर है अतः एक्स इज इक्वल टू वन पर भी फलन क्या होगा, फलन सतत होगा, सतत होगा। हमने ये बता दिया कि वन माइनस वन पर भी सतत है और वन पर भी सतत है, यहाँ पर भी सतत है, यहाँ पर भी सतत है। अब माइनस वन से छोटा, माइनस वन से छोटे के लिए सतत होगा कि नहीं होगा ये देखो, माइनस वन से छोटे के लिए एक अचर फंक्शन है और अचर फंक्शन है तो सतत तो होगा ना, अचर हो चाहे बहुपद हो हमेशा सतत होगा, क्यों होगा अभी बताता हूँ मैं। यहाँ पर भी क्या है बड़ा है वो अचर है इसलिए सतत होगा, देखना तीसरा पार्ट, एक से इज इक्वल टू सी का मान जो है वन से माइनस वन से छोटा है तब फलन कौन है, फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो फलन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू ही होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस टू रखो सी रखो तो इतना ही आएगा, या लिमिट भी रखेंगे ना लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स से तो अचर ही रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी और अचर का मान कितना है माइनस टू है तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू ही रहेगा क्योंकि यहाँ एक्स ही नहीं तो सी रखेंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर केवल एक लाइन में ऐसा भी लिख सकते कि एक्स ले एक्स का मान वन से छोटा होने पर यह क्या होगा, यहाँ पर अचर बहुपद है, अचर बहुपद है जिसके कारण क्या या तो बोल सकते हैं अचर संख्या है इसलिए यह क्या होगा सतत होगा, और इधर बड़े के लिए भी अचर है इसलिए सतत होगा, बहुपद होता तब भी सतत होता, ठीक है। तो यह क्या होगा माइनस वन से, माइनस वन से वन के लिए पूरा सतत होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Thank you.